फाइनली इश्बा का बैश इन बर्लिन खत्म हो चुका है। अगर मैं आपको रिजल्ट के बारे में बताऊं तो एक ही वीडियो में समराइज में मैं आपको बता दे रही हूं कि इस मैच में कौन कौन जीता। जैसे कि पहले केविन ओवेंस और कॉडी रोड्स का मैच था और इस मैच में कॉडी रोड्स ने केविन ओवेंस को हरा दिया और अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को फिर से रिटेन कर लिया। आप ऐसा बोल सकते हो, मैं देख रही थी ना, ये मैच वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग मैच था। नेक्स्ट बात करते हैं विमेंस डिवीजन के बारे में, यानी कि बियांका ब्लेयर और जेड कार्बिन ने एल्वा फायर और आइला डॉन को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली है। देन बात करते हैं सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर के बीच एक स्ट्रिप मैच देखने को मिला था और इस मैच में सीएम पंक 10 साल बाद ड्रू मैकइंटायर को हरा देते हैं। देन विमेंस डिवीजन में काफी इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलता है, रिया रिप्ली, डायमंड प्रिंस, डॉम और लीव मॉर्गन। सभी को तो प्रिडिक्ट किए थे कि लीव मॉर्गन और डोमिनिक मिशेलियो जीतने वाले हैं, बट गाइस ऐसा नहीं हुआ, रिया रिप्ली और डायमंड प्रिंस जीत जाते हैं इस मैच को। और लास्ट मैच के बारे में बोलूं जो कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए था और ये मैच गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच था और इस मैच में गुंथर ने इजिली रैंडी ऑर्टन को हरा दिया, बट मजा ये मैच देखकर। और तो और गुंथर ने एक बार फिर से अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। तो गाइस आपका क्या ओपिनियन है बैश इन बर्लिन को लेकर? अगर मैं आपसे रेटिंग के बारे में बोलूं तो आप कितना रेटिंग दोगे इस शो को, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे ये कंटेंट लाइक थोड़ा सा ही पसंद आता हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।